एक और सवाल है इसी से रिलेटेड, अगर भीम आर्मी जो उसके संस्थापक हैं, संस्थापक तो नहीं बोलेंगे, वो एक भीम आर्मी जो संगठन है वो काफ़ी लोगों का मिला हुआ संगठन है, अगर चंद्रशेखर ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो क्या इससे बीएसपी की वोट को नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके बारे में बताएं। देखिए, दो साल पहले चंद्रशेखर साहब को कोई जानता नहीं था, उनके बारे में पता नहीं था लोगों को कौन है जी। जब आप ये कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, इस देश में लोकतंत्र है और हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, उनको भी अधिकार है, जहां से चाहे चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन फिर हम जब चुनाव लड़ेंगे तो फिर लोग पूछेंगे कि भाई दो साल में आपने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप चुनाव लड़े, आपकी क्या राजनीतिक योगदान रहा है, क्या सामाजिक योगदान रहा, ऐसा क्या किया समाज ने, जब क्योंकि आपको सरकार ने गलत तरीके से जेल में डाला, समाज ने आपको बहुत ज़्यादा योगदान दिया, समाज आप कमांडर हैं आर्मी के, लेकिन आपकी सुरक्षा समाज कर रहा है, होना तो ये चाहिए कि आर्मी जो है समाज की रक्षा करे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि आर्मी की रक्षा और आर्मी के कमांडर की रक्षा समाज कर रहा है, उसको योगदान समाज दे रहा है, तो ये मतलब उल्टी गंगा बहने वाली बात हो रही है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि भाई चंद्रशेखर पहले नहीं है यहाँ पे, वामन विश्राम का नाम आपने सुना होगा जी, बिल्कुल, एक और अंबेडकर समाज पार्टी का नाम आपने सुना होगा, तेज सिंह करके जीते रहे हैं, आपने उदित राज का नाम आप सुना होगा, जिससे पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये समय समय पे हर इलेक्शन में एक नया व्यक्ति आता है जिसको कांग्रेस बीजेपी या और दूसरी पार्टियां इस्तेमाल करने का प्रयास करती हैं, लेकिन ये सिर्फ धूल उड़ा सकते हैं, ये वोट नहीं काट सकते, क्योंकि फिर मैं कहूँगा माननीय कांशीराम साहब का जो आंदोलन रहा उसने इतना स्थायी प्रभाव यहाँ के मतदाता पर डाला है कि बीएसपी की जीरो सीट है, लेकिन आप जानते हैं कि उनको 20% वोट मिला है, 2017 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव में उनको 23% वोट मिला, 2 करोड़ वोट मिला उत्तर प्रदेश में बीएसपी को जी, लोग कह रहे हैं कि 17 सीट हैं उनके पास, 19 सीट हैं, 2 करोड़ वोट है विधानसभा के अंदर, तो इतना जबरदस्त उनका वो, लेकिन मीडिया तो कभी दिखाता नहीं है इस तरीके का, नहीं मीडिया का काम तो ये है कि भाई वो कमजोरियां दिखाएं, वो इस तरह की चीजें दिखाएं जिससे मनोबल गिरे कि खत्म हो गया, वो आ गया, लेकिन कॉन्स्टेंटली बीएसपी को, क्योंकि बीएसपी उस समाज का रिप्रेजेंटेशन करती है, खासतौर पे जो अनटचेबल कम्युनिटी रही है उसका रिप्रेजेंटेशन वो करती है, लीडरशिप उसकी वहाँ से आती है, तो इनको लगता है कि अगर इस तरह के लोग सत्ता के शिखर पर स्थायी रूप से पहुँच जाएँ तो पूरी की पूरी मनुवादी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद ध्वस्त हो जाएगा, और इन्होंने जो 2000 साल से अपने आप को स्थापित किया, इनका जो झूठा अहंकार है वो चूर चूर हो जाता है, क्यों कोई अपने आप को उच्च जाति का मानने वाला व्यक्ति बहन मायावती के पैरों को छूके अपने जीवन को गौरवान्वित महसूस करता है, उन्हें पता है कि अगर ये आदत बन गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मीडिया कभी भी उनकी सकारात्मक छवि नहीं दिखाता है। लेकिन माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि भाई हमें मीडिया से डरने की जरूरत नहीं है, मेरा अपना खुद का मीडिया है, और वो उनका मीडिया मैन टू मैन है, वो कहते हैं कि भाई मैंने अपने लोगों को इस तरीके से तैयार किया है कि आपका अखबार आपका टीवी मेरे व्यक्ति या मेरे कैडर के विचार को बदल नहीं सकता, इनफैक्ट वो कहते हैं कि अगर मीडिया मेरा समर्थन करना लगे, अगर मीडिया मेरे पक्ष में लिखने लगे तो समझ जाना कि मैं गद्दार हूँ, समझ जाना कि मेरे कदम जो है वो गलत हो रहे हैं, इसको इस रूप में देख सकते हैं कि अगर मीडिया हमारे किसी व्यक्ति को दिखा रहा है, अगर मीडिया हमारे व्यक्ति को का समर्थन कर रहा है, उसके पक्ष में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ये जो आप बात कर रहे हैं भीम आर्मी की, आप उस संदर्भ में देख सकते हैं कि भाई अचानक एक व्यक्ति को इतना ज्यादा क्यों दिखाया जा रहा है, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको तो आप कभी नहीं दिखा रहे हैं, और एक व्यक्ति जिसका कोई खास जनाधार कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपने आप को सिद्ध नहीं किया है, उन्होंने बताया नहीं है कि भाई वो आप इस, अगर उत्तर प्रदेश सहारनपुर जैसी जगह, सहारनपुर में जहाँ पे माननीय कांशीराम साहब ने चुनाव लड़ा 1996 में, जहाँ पे मायावती जी ने चुनाव लड़ा 1995 में, अरोड़ा से 2 बार वो विधायक बन के आई हैं, तो वहाँ तो सहारनपुर तो बहुजन समाज पार्टी का और बहुजन आंदोलन का गढ़ है, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा है तो आप समझ सकते हैं कि भाई किस तरह की विचारधारा से आदमी जुड़ के आ रहा है, इसलिए ये सोचने की बात है कि अगर इतने प्रखर समय में जहाँ पे बहुजन आंदोलन बहुत मजबूती से है और आप भगवती जागरण करा रहे हैं, तो फिर आपकी जो बैकग्राउंड है उसको समझ लेना।